उधर यूक्रेन के जवानों ने चर्निव के कई इलाकों में रूसी सेना के जिंदा बमों को नाकाम करने का काम तेज कर दिया ताकि आम लोग इसकी चपेट में ना आ पाएं। और इसके लिए जेलेंस्की के ये जवान संभलकर जिंदा बमों को बटोरते दिखाई दिए। इस इलाके में कई जगहों पर रूस का यह गोला बारूद बिखरा पड़ा है। ऐसे में इन बमों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इनकी कोशिश है कि जवानों और आम नागरिकों को इन बमों से कोई नुकसान न पहुंचे। इन्हीं बमों के ढेर पर वहां एक बच्चे की साइकिल भी दिखाई दी, लेकिन अगर कोई बच्चा वहां जल्दबाजी में आकर इस साइकिल पर बैठने की कोशिश करेगा तो रूस के बम उसे अपनी चपेट में ले सकते हैं। ऐसे में बच्चों को भी वहां जागरूक करने का काम तेज कर दिया गया, यानी जंग के बीच उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे फूंक फूंक कर कदम रखे जाएं। वहीं रूस की कई टैंकों पर यूक्रेन की फौज ने कब्जा कर लिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें दिखाया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंकों को अपने कब्जे में ले लिया। जो वीडियो सामने आए उसमें यूक्रेन के फौजी कब्जे में लिए गए रूस के एक टैंक का इस्तेमाल करते नजर आए। आगे एक टैंक चलता दिखा जिस पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ था। उसके पीछे एक ट्रॉली पर सवार यूक्रेन के फौजी आराम फरमाते दिखाई दिए। उनमें कोई हथियार के साथ लेटा हुआ था तो कोई तसल्ली से बैठा दिखाई दिया। इस बीच जंग के करीब दो महीने बीतने के बाद यूक्रेन ने पुतिन के गैस वाले प्लान में अड़ंगा डालने की तैयारी कर ली है। खबर है कि यूक्रेन अब नए सिरे से यूरोप के देशों को एकजुट करने की योजना बना रहा है। अब तक यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद किया जाए, लेकिन खबर है कि अब वो इंपोर्ट बंद करने के लिए नहीं कहने वाला, बल्कि वो रूस के तेल से अपनी जेब भरने की योजना बना रहा है। खबर है कि जेलेंस्की ने यूरोप के देशों के साथ नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऐसी रणनीति जिसके तहत यूरोप तक नेचुरल गैस तो रूस की ही पहुंचेगी, लेकिन कमाई यूक्रेन की भी होगी। जंग छिड़ने से भी पहले से यूक्रेन की योजना कुछ और थी। यूक्रेन अपील कर रहा था कि रूस के तेल और गैस का इम्पोर्ट बंद किया जाए, लेकिन उसकी इस अपील का कोई खास फायदा नहीं हुआ था। नेचुरल गैस और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए यूरोप मजबूर है। मौजूदा हालात में रूस ही उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यूक्रेन में चल रही जंग के दौरान पुतिन के लिए यही गैस और तेल उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गए, लेकिन अब माना जा रहा है कि जेलेंस्की ने तेल और गैस के मामले में गेम पलटने की तैयारी कर ली है और एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत रूस के तेल और गैस से यूक्रेन की जेब भर सकती है। जेलेंस्की ने इसके लिए यूरोप के कुछ देशों से बातचीत भी कर ली है और माना जा रहा है कि जेलेंस्की के प्लान पर यूरोप के देश सहमत है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन की अगली मीटिंग में उनके प्लान को एजेंडा बनाया जा सकता है। प्लान यह है कि यूरोप तक तेल और गैस पहुंचाने के लिए यूक्रेन के रूट का इस्तेमाल हो और यही मांग यूरोप के देश रूस से करें। कुछ महीनों से यूरोप तक रूस की गैस केवल नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए पहुंच रही है, जबकि पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 के अलावा यूक्रेन के रास्ते भी यूरोप के देशों तक गैस पहुंचाई जाती थी। लेकिन यूक्रेन का रूट इस्तेमाल करने के लिए रूस को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रूस को ट्रांजिट फीस के तौर पर भारी भरकम रकम यूक्रेन को देनी पड़ती है। $200 करोड़ सालाना ट्रांजिट फीस, भारतीय रुपयों में 15,000 करोड़। इतनी बड़ी रकम रूस हर साल यूक्रेन को इससे पहले देता रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रूस ने सड़क के रास्ते गैस की सप्लाई बंद कर दी, जिससे रूस का ट्रांजिट फीस के तौर पर होने वाला खर्च बच गया और यूक्रेन को होने वाली भारी भरकम कमाई बंद हो गई। और रूस ने यह फैसला केवल यूक्रेन की कमाई पर कैंची चलाने के लिए नहीं किया, मतलब यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक गैस की सप्लाई रोकना भी पुतिन की एक सोची समझी चाल साबित हुई, क्योंकि जंग से कुछ महीने पहले सप्लाई का एक रूट बंद होने से यूरोप के पास गैस की सप्लाई भी सीमित हो गई। मतलब यह कि यूरोप के पास गैस का स्टॉक भी भरा नहीं जा सका। यूरोप में नेचुरल गैस के स्टॉक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सर्दियों में होता है। वहां सर्दियों में गैस की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। नतीजा यह हुआ कि फरवरी के महीने तक यूरोप को गैस का स्टॉक जमा करने का मौका नहीं मिला, जबकि पहले से जमा स्टॉक सर्दियों के मौसम में खर्च हो गया। इसीलिए बिना गैस के यूरोप के सामने कुछ हफ्ते भी काम चलाना मुमकिन नहीं बचा। मतलब ये कि पुतिन जानते थे कि फरवरी खत्म होने से पहले जब जंग छिड़ेगी तब तक यूरोप के पास गैस का स्टॉक खाली हो चुका होगा। नतीजा ये होगा कि न चाहते हुए भी यूरोप को गैस रूस से ही लेनी पड़ेगी। दूसरी तकलीफ ये है कि यूक्रेन वाला गैस का रूट बंद होने की वजह से यूरोप अब भी गैस का स्टॉक भरने में नाकाम है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई उतनी नहीं हो रही जिसे यूरोप इस्तेमाल भी कर ले और जमा भी कर ले, जबकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तैयार होने के बावजूद जर्मनी ने रोक दी। पाइपलाइन बनाई गई थी यूरोप तक रूस से होने वाली गैस की सप्लाई दुगनी करने के लिए, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के फौरन बाद जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू नहीं होने देगा। हालांकि यूरोप में चल रही गैस की मौजूदा किल्लत रूस से ज्यादा यूरोप को परेशान करने वाली है, इसीलिए जेलेंस्की प्लान बना रहे हैं कि वो पुतिन के प्लान में अड़ंगा लगा पाए। जेलेंस्की की योजना यह है कि यूरोप के देश रूस से गैस की सप्लाई बढ़ाने को कहें।
सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस को यूक्रेन के सड़क वाले रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूक्रेन की जमीन इस्तेमाल करने के लिए पुतिन को भारी भरकम ट्रांजिट फीस यूक्रेन को देनी पड़ेगी। मतलब यह कि रूस की गैस से यूक्रेन पैसे कमा पाएगा, रूस की गैस के एक्सपोर्ट से जेलेंस्की अपनी जेब भर पाएंगे। यानी रूस के खिलाफ जंग लड़ने का खर्च यूक्रेन रूस की ही गैस से निकाल पाएगा। हालांकि जेलेंस्की का यह प्लान काम करेगा इसकी गुंजाइश कुछ कम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फिलहाल तेल और गैस की डील में यूरोप मजबूर और पुतिन मजबूत है। यानी मोल भाव करने की यूरोप की ताकत नहीं है। अगर यूरोप की शर्त को पुतिन न भी माने तो यूरोप गैस की सप्लाई रोकने का जोखिम नहीं उठा सकता।